हेलो गाइस, चलो आज हम बनाएंगे एग बिरयानी। एग बिरयानी के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं टमाटर, कांदा, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। मैंने यहाँ पे एग बॉईल कर लिए थे। एग बॉईल करने के बाद उनको छील के मैंने थोड़ा सा मैरिनेट किया उनको हल्दी और नमक में। फिर इनको फ्राई कर लिया थोड़ा सा गोल्डन। फ्राई करके थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो चाहे आप एग करी बनाओ चाहे आप एग बिरयानी बनाओ, थोड़ा सा अच्छा लगता है फ्राई करके। फिर मैंने इनको फ्राई करके थोड़ा सा साइड निकाल के रख दिया। उसके बाद हम उसका ग्रेवी थोड़ा सा रेडी करेंगे। सरसों का तेल दिया मैंने, सारे खड़े मसाले डाले उसमें, उनको थोड़ा सा गर्म तेल में डाल के। फिर मैंने अदरक डाला है, लहसुन डाला है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नेक्स्ट ऑनियन। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद ठंडा सा हम अभी ऐड करेंगे रफली चॉप्ड ऑनियन। ऑनियन थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्वांटिटी में, थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है क्योंकि हमको इसका लास्ट में टेस्ट ही बनाना है। ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको थोड़ा सा हम ऐसे तोड़ लेंगे और अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब अच्छे से ये ऐसे फोड़ने के बाद, थोड़ा सा गैस आप थोड़ा सा मीडियम भी रखिएगा, अदरवाइज ये पूरी तरह से जल जाएगा और ये कुक नहीं होएगा। फिर हमको इसको 80% कुक भी करना है क्योंकि रेस्ट 20% हम इसको बिरयानी में कुक करेंगे। अभी मैंने साइड में चावल भी थोड़े से भिगो के रखे हुए थे, बासमती चावल। इसको मैंने पानी वॉश करके आफ्टर 15-20 मिनट्स इसमें मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए थे। और ये हमारा अभी राइस रेडी है। इसका मैं गैस ऑन कर दूँगी सो दैट कि साइड बाय साइड ये भी पका। हाँ, नमक भी डाला है इसमें टेस्ट के लिए ताकि बाद में डालना ना पड़े। यहाँ पे हमारा गोल्डन हो चुका है थोड़ा सा। अभी हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो। टोमेटो और हरी मिर्ची को मैंने इसमें ऐड कर दी है। जो हमने दो हरी मिर्ची ली थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अभी टोमेटो को कुक करने के लिए थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक से थोड़ा सा गल जाएगा इसको, थोड़ा सा हम पकने के लिए ढक देंगे इसको हम, तो ढक के जल्दी से पक जाएगा फिर ये स्टीम लगेगा। तो इसमें अभी देखिए ये ऑलमोस्ट पक चुका है। हमको इसको पूरी तरह से नहीं कुक करना है, सिर्फ 80% कुक करना है। और यहाँ हमारा राइस भी रेडी हो रहा है और फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। इसको थोड़ा सा मैं ठंडा होने दूँगी। ये राइस हमारा 80% कुक हुआ है। राइस को पूरा कुक मत करना वरना वो बिरयानी में पूरा गल जाएगा। अभी यहाँ पर ठंडा हो गया, मैं इसको मिक्सर में डाल के पीस लूँगी, फाइन पेस्ट बना लूँगी इसका मैं। और क्या भाई, फटे हारे होते हैं। ठंडा होने के बाद ही पीसिएगा नहीं तो फिर उसमें अंदर भाप बनेगा। अभी फिर से मैंने इसके यहाँ पे कढ़ाई जला के वो जो पेस्ट हमने पीसा था वो पेस्ट हमको इसमें डालना है। ये पेस्ट हमें इसमें डाल के, कुक तो वो ऑलरेडी था ही, बस हल्का सा गर्म कढ़ाई करके इसको ये पेस्ट डालना है। उसमें मेरे पास ये दावत का ऑथेंटिक बिरयानी मसाला पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको यूज़ कर लिया जाए। तो मैंने ये फुल पैकेट इसमें डाल दिया था। अरे तो फिर नाम रखेगा कि ये बता पहले। इसको थोड़ा सा हम उसमें मिक्स कर देंगे। फिर जो हमारे एग बॉईल करके हमने फ्राई करे थे वो एग हम इसमें मिक्स करके थोड़ा सा इसको चलाएंगे और थोड़ा सा फ्लेवर ये एग्स के अंदर चला जाए तो हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे अच्छे से और थोड़ी देर इसको इसमें होने देंगे। एग्स पे आप थोड़ा थोड़ा सा फोक की मदद से थोड़ा थोड़ा सा उसमें आप छेद कर लेना सो दैट कि उसमें मसाला अच्छे से चला जाए एग के अंदर, वरना एग अंदर से फीका फीका ही लगेगा ना। इसको थोड़ी देर हम ढक के पका लेंगे। पके तो हैं ऑलरेडी, बस थोड़ा सा उसमें फ्लेवर अंदर ऐड हो जाए तो इसलिए हम थोड़ी देर उसको ढक देंगे। उसके बाद हम इसमें चावल पूरे अच्छे तरह से स्प्रेड कर देंगे, लेयर बना देंगे और थोड़ी देर इसको हम ढक देंगे। थोड़ा टाइम ही ढकना, बस 2-3 मिनट्स, उसके बाद हम बंद कर देंगे।